हैं हमारे सब थैंक यू जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट किया जी मेरे ख्याल में से इट्स अ हैप्पीएस्ट मोमेंट एट दिस टाइम इस वक्त जो न्यूज़ सारे मतलब आप देखते हो क्या क्या हो रहा है ऑल द टाइम देयर इज प्रॉब्लम विद विमेन गर्ल्स देयर इज अब्यूज और बहुत ज़्यादा पेन है सोसाइटी में विमेन को लेके और ऐसे टाइम के अंदर जब हम विमेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं ऑनर कर रहे हैं एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इवनिंग इट मेक्स मी वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर मधु सेवन मैगजीन उसके बारे में कुछ बताइए क्या पढ़ते हैं सेवन मैगजीन बिल्कुल सेवी इज मैं एक्चुअली फेमिनिस्ट साउंड नहीं करना चाह रही हूँ इट्स नॉट आई एम नॉट ऑल अबाउट यू नो बट आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू बी अ वुमन एंड आई एम अ मदर ऑफ टू डॉटर्स एंड Savvy is a magazine that's all the time, it's basically caters to women. It's light-hearted, it's glamorous, it's also very entertaining and it's an interesting and a fun magazine. We love reading Savvy. I love reading Savvy. What makes a woman successful? What are the qualities required to make a woman successful, according to yourself? Firstly, to be successful, you have to love yourself. और ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जो ये क्रिएट कर देता है कि हम अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं वी डाउट आर सेल्व अगेंस्ट ऑल ऑड्स अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन टू ऑलवेज स्टे ट्रू टू योर सेल्फ एंड से आई लव माई सेल्फ एंड आई इट डजेंट मैटर हु इज़ गोना अप्रिशिएट यू हु इज़ गोना ऑनर यू वेदर यू गेट द अवार्ड बाई समवन एल्स और नॉट इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज आई लव माई सेल्फ एंड आई विल कीप डूइंग वॉट आई बिलीव इन That will make you successful. And success is also, I define success as somebody, something that I am happy doing, not what you think is successful. मैं ये नहीं चाहूँगी कि कोई और मेरे लिए मेरी success define करे. मैं successful हूँ because I am doing what I love doing and I am happy doing what I love doing. आज की जो महिलाएं हैं जो इंडियन जो इंटरनेशनल फुटबॉल पर जा चुकी हैं जैसे इंद्रा नूई तो उसके बारे में क्या कहना है जी आप इंद्रा नूई की बात कर रहे हैं मैं तो आई वुड लव टू टॉक अबाउट प्रियंका चोपड़ा आई वुड लव टू टॉक अबाउट दीपिका पडुकोण बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट एंड ऑफकोर्स आई नो द सीईओज एंड पॉलिटिक्स एंड वो सारी चीज़ें मैं जानती हूँ लेकिन मैं जब न्यूज़पेपर खोलती हूँ फर्स्ट पेज मैं खोलती हूँ कि बॉलीवुड के बारे में क्या खबर है और मेरे फ्रेटर्निटी के मेरे कंटेम्प्रेरी मेरे मतलब जो आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ वेयर प्रियंका चोपड़ा हैज़ टेकन अस एंड यहाँ आने से पहले मैं क्वांटी को देख रही थी एंड आई थिंक शी इज़ फैबुलस सो आई एम वेरी प्राउड दैट बिकॉज ऑफ प्रियंका चोपड़ा बिकॉज ऑफ दीपिका बिकॉज ऑफ ऑल द आर्टिस्ट इरफान एंड एवरीबडी वी आर ग्लोबली अ नेम टू रेकन विथ आवर मूवीज आर सीन And I'm just proud to belong to that. Message to all Indian women. Message to Indian women. Yeah, Indian women. Kya sandesh dena chahenge? Success. Message to women generally, not Indian or otherwise. Just be proud to be a woman. They say it's a man's world, but well, it may be, but a man is nothing without a woman. Thank you. And I think when you work very hard to be honored and recognized is a very special feeling. And जो हम मेहनत करते हैं जब कोई उसकी तारीफ करता है उसको acknowledge करता है तो it's a very very important feeling of achievement and it gives the motivation to do further good. So I think ये अलग sphere से ladies जो हैं उनको recognize करेंगे that will be very important for those women and I congratulate all the winners. बिकॉज उन्होंने ज़रूर अपनी सफलता के लिए बहुत मेहनत की होगी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एक दौर बदला है वुमेन को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगे हैं अभी फिलहाल में लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी है कि माइनस पॉइंट भी है कि अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर वुमेन्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है वगैरह देखिए ये औरतों को रिस्पेक्ट करना या वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड एक दौर नहीं होना चाहिए एक तरीका होना चाहिए और हमारी इंडियन सभ्यता में कहते हैं कि एक महिला का अलग अलग रूप में उसको इज्जत दी जाती है तो आई थिंक वुमेन हैव इन इंडिया इनफैक्ट हमारी एक कंट्री है जो दुनिया में वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू हैव अ नेशनल लीडर लाइक इंदिरा गांधी
जब बाकी देशों में अमेरिका में अभी तक नई लीडर हो चुकी हैं, उसके बाद यूके में मार्गरेट थैचर बनी, तो वी आर वन ऑफ द फॉरवर्ड कंट्रीज जिन्होंने एक नेशनल लीडर को, और शी वॉज सच अ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग केपेबल वुमेन, तो आज तक उनको याद किया जाता है. तो आई थिंक वी गिव सो मच रिस्पेक्ट टू आर मदर्स, टू आर सिस्टर्स, एंड ऑफकोर्स टू अ गर्ल चाइल्ड इज वॉट समवेयर. हमारी ये जो इम्बैलेंस हो गई है कि समझते हैं लड़के ज़्यादा कीमती हैं, दैट इज़ वन थिंग विच इज़ आई थिंक आज की जनरेशन समझ रही है कि बिल्कुल गलत है. एंड एज अ वुमेन मैं ज़रूर एक दावे के साथ कहती हूँ कि वुमेन सपोर्ट देयर फैमिलीज मोर देन मेन डू, दे सपोर्ट देयर पेरेंट्स, दे लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, तो उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. आप उनको सक्षम बनाइए, उनको एजुकेशन दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, एंड गिव देम द स्ट्रेंथ, गिव देम द विंग्स, और वो आपके और ज़्यादा आपका और ज़्यादा ख्याल रखेंगे, आपको और प्यार देंगी, देन योर बॉयज़ मे समटाइम डू, बट आई थिंक बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, वी शुड लव ऑल आवर चिल्ड्रन, बट डोंट बी अनफेयर टू द गर्ल चाइल्ड. द सेम क्वालिटीज दैट आर रिक्वायर्ड बाई अ मैन आई गेस, but I think women have a more focused approach and they are more capable of multitasking. ये मेरे एक्सपीरियंस में है कि लेडीज़ जो हैं, women can look after their family, look after their children, focus on their work and do their work well. So I think a woman is very capable and hats off to all these women who are achievers, and may there be many more women जो recognize हों और अचीव करें. नहीं नहीं नहीं, ये बहुत स्पेशल है. आप ये, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये वुमेन सक्सेस ही नहीं है, ये अनजाने वुमेन जो हम पहचानते नहीं हैं, जो अपनी अपने आप चुपचाप करती हैं, पब्लिसिटी नहीं होती इनको, ये बड़े बड़े बैंक्स के प्रेसिडेंट्स नहीं हैं, ये इंटरनेशनल लीडर्स नहीं हैं, ये छोटी छोटी औरतें हैं, उनको अब आज हम रिकग्नाइज करें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. देखिए हमारे देश में सिर्फ तकरीबन 10 लोग हैं जिनको सब पब्लिसिटी मिलती है, आउट ऑफ विच वन इज मिस्टर मोदी. ओके, बाकी के लोग तो अब भूल जाते हैं. हम ये नहीं सोचते कि 1 बिलियन लोगों में कितने लोग कितना काम कर रहे हैं, तो उनको भी तो थोड़ा बहुत, उनका भी तो टाइम आना चाहिए. ये टाइम आया. आपकी नज़र में ऐसे कौन से उपाय हैं जिनकी वजह से आज आप देखेंगे, जो आप महिला मिलेंगे और उनके अचीवमेंट आप देखेंगे, उनको आप समझेंगे कि वो देश के लिए कितना कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं. सर प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, उन्होंने देश का नाम रोशन किया. पर ये तो स्टार हैं भैया, इनके पीछे तो आप पड़े रहते हैं पूरा दिन, दिन रात ख्वाब भी उनके होते हैं आपके. पर ये लोग जो होते हैं, ये तो चाहे कुछ भी करें आप पब्लिसिटी देते हैं, चाहे बुरा करें चाहे अच्छा करें. आप कभी सोचते हैं कि गाँव की कोई महिला है जो इससे भी ज़्यादा कर सकती हैं? कभी नहीं. आज मिलेंगे आप. Initiative, it's a good initiative and it's very good for women to be recognized and appreciated for whatever they're doing in their careers or in their lives, and Savvy has always been very encouraging to the women and just makes them feel good. सर हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, जैसे गांव की रूरल एरिया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ऐसे ही शोज और ऐसे ही इवेंट्स के बारे में सुनकर, और ये मूवमेंट काफ़ी स्प्रेड हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि उन छोटे छोटे लोगों को भी रिकग्निशन मिलेगी ज़रूर. आजकल सब चैनल्स भी जा रहे हैं, सब लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं औरतों के लिए, तो आई एम श्योर It will not go unrecognized. हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जैसे दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा, वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आप क्या इसको किस तरह? बहुत सही कहा आपने, और ऐसा आगे चल के और भी आएगा. अभी जो सोनम ने फिल्म की नीरजा, उसमें भी देखिए एक औरत के बारे में ही कहानी थी और बहुत खूबसूरत कहानी थी, तो रिकग्निशन तो मिल ही रहा है. वो कहानियाँ आजकल बन रही हैं औरतों पे, मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा पे, और ऐसी फिल्में और भी बननी चाहिए, और रिकग्निशन ज़रूर मिलेगा, और इससे और जो औरतें हैं वो भी इनकरेज होंगी कि हम भी कुछ करके दिखाएं,
और हमें भी रिकॉग्निशन। रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है? रनिंग प्रोजेक्ट के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, जब वक्त आएगा सही वक्त पे जरूर बोलूंगा। Today's evening is obviously the Savvy Honor 2016, celebrating success, and I think today is a very, very special day for me because I think it's really important that we celebrate these kinds of causes, especially in India. When we hear a lot of bad things happening in India, but it's sometimes really amazing to see some really good things like today. Tell us about Savvy Magazine. Savvy Magazine, I've been involved with Savvy Magazine. I've been had a couple of articles in it. I've had a couple of editorials. You've seen my face in it. I absolutely love the magazine. It's a great magazine, and I think everyone should go out and buy a copy. It's a really good magazine. Any of our women are going international like Deepika Padukone? I can hear you. Our Indian women are going international like Deepika Padukone and Priyanka Chopra. So what do you have to say about that? Well, I would like to say that I think Indians have always been quite international. We have a lot of Indians across the world that are international. I think Aishwarya Rai started it, I think. And then from there, we've had Deepika Padukone and Priyanka Chopra. I think, yeah, Indian women are representing India in the absolute correct way. And I think that we wish them all the best for the future. And I hope that more girls go abroad and more girls show the world what Indians are like. And I think Deepika is उन ग्रेट वुमेन की चेहरे सामने आते हैं जिन्होंने वाकई कुछ पाथ ब्रेकिंग को इंटरेस्टिंग चीज़ की है। आप देखिए किस प्रकार से जो वुमेन की अचीवमेंट्स हैं, वुमेन की जो वुमेन का हमारे डिसाइड कर ले दोबारा सैवी मैगज़ीन का जब जिक्र आता है तो उन ग्रेट अचीवर वेमेन के चेहरे सामने आते हैं जिन्होंने वो धर्रे की औरतें, धर्रे की वेमेन, यानी कि जो बरसों से ये क्लिशे था कि वेमेन शुड बी यू नो लाइक इन द हाउस, इन द किचन, उस सब को डिफाई नहीं, उस सब को कंबाइन किया नई स्ट्रेंथ के साथ में और ऐसा अचीव किया कि दैट दे बिकम द वुमेन ऑफ सब्सटेंस। आप आज यहाँ पर सैवी वुमेन को सम्मानित किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी हियर टू बी प्रेजेंटिंग एन अवार्ड टू द वुमेन ऑफ सब्सटेंस। माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एडिटर of Savvy, Andrea, the publisher, Mr. Nari Hira, Ashok Dhamankar, and everybody else involved. Sir, our film industry से प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण से उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तो आपको क्या लगता है इनके अचीवमेंट से हमारी देश की औरतें इनकरेज होंगी? क्या कहेंगे आप? हमारे देश की औरतों ने सभी क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। आप स्पोर्ट्स में देखिए, आप एंटरटेनमेंट में देखिए, आप दूसरे क्षेत्रों में देखिए, तो हमारे इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे देश में क्या कहते हैं कि सभी डिफरेंट डाइवर्स फील्ड्स में वीमेन अचीव। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए, सम ऑफ द टॉप बैंकर्स आर वीमेन, सम ऑफ द टॉप यू नो कॉर्पोरेट हेड्स आर वीमेन। तो बहुत खुशी है, बहुत गर्व महसूस होता है कि भारत देश की विमेन ने देश और विदेश में नाम और सम्मान हासिल किया। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। नाउअडेज विमेन आर कमिंग आउट ऑफ द क्लोज़ेट एंड सो या इट्स गुड इफ दे आर गेटिंग अप्रिशिएटेड। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट। सो यू आर द फेस ऑफ ग्रोइंग इंडिया एंड यू नो इंडिया में कुछ भी अगर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं सामने, स्पेशली वुमेन, तो आप किस तरह से देखिए, आपने कितने चैलेंजेस किए इस बारे में बताइए। फ्रैंकली बैरियर्स हर जगह पे है, घर पे बैठना है तो भी बैरियर्स आते ही है। सो इट्स अबाउट हैविंग अ फाइटिंग स्पिरिट और लाइक जस्ट फाइट विद इट। आई थिंक इवन माई मॉम, शी इज़ अ हाउस वाइफ, पर उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स आई है जब व्हेन शी वाज यंग एंड व्हेन शी वाज हैंडलिंग द हाउस। I've come out, I'm also facing problems, but yeah, I'm fighting and everyone should. Okay, now you are looking forward to
It is Anandal Rai's production. It has been directed by his assistant Rahul Shankalia, and I think people will like it. I can't say much, but I am looking forward to it.